नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा अगले 40 दिन मुश्किल। बीमार मां का हालचाल लेकर पीएम मोदी दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग। तमिलनाडु के बाद उड़ीसा पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई देशों में ट्विटर का सर्वर हुआ डाउन। मिजोरम में जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश। एमपी में पारा 23 डिग्री तक पहुंचा। केंद्र से पहली बजट नहीं लाएगी गहलोत सरकार। निकाय चुनाव आरक्षण पर सरकार का अहम फैसला। तुनिशा शर्मा सुसाइड पर कंगना रनौत ने किया रिएक्ट। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स को एयर सुविधा फॉर्म भरना और 72 घंटे पहले का नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य से भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स की एनालिसिस के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिराबा की सेहत की जानकारी लेने अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल पहुंचे। वे करीब 1 घंटे 20 मिनट अस्पताल में रहे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद जगलजी ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री माहिराबा की तबीयत को लेकर चिंतित थे, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत के बाद वे सीधे दिल्ली के लिए निकल गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। इसमें गृह सचिव के अधिकारी और LG मनोज सिन्हा मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा। गुजरात विधानसभा में बम्पर जीत के बाद भाजपा का फोकस अब 2024 लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कंधमाल में 2 लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस और राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर भी निशाना साधा। में गुरुवार को ट्विटर सर्विस डाउन चल रही है। इसके चलते कई लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग जब साइन इन कर रहे हैं तो स्क्रीन पर एरर आ रहा है। साथ ही यूजर्स जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में 10,000 से ज्यादा यूजर्स ने इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया है। मिजोरम के चंफाई जिले में पुलिस ने जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 लाख रुपए से अधिक के अंकित मूल्य के नकली भारतीय मुद्रा नोट जब्त किए गए। पुलिस ने IPC की धारा 489B और 489C के तहत मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की रातों के साथ अब दिन भी सर्द हो गई है। ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 23 से 24 डिग्री तक पहुंच गया। रात के पारे में भी गिरावट हुई है। अगले 24 घंटे में ग्वालियर, दतिया समेत 8 जिलों में कोहरा रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के बजट को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का बजट जल्द ही आ जाएगा, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि बजट फरवरी में ही आएगा। सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में है। निकाय चुनाव पर OBC आरक्षण को लेकर UP सरकार ने बुधवार को अहम फैसला लिया। सरकार ने 5 सदस्यों का OBC आयोग बनाया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा IAS चौब सिंह वर्मा, रिटायर्ड IAS महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य होंगे। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की।
कंगना रनौत ने तुनिशा शर्मा सुसाइड केस पर रिएक्शन देते हुए अपने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि जैसे द्रौपदी के लिए कृष्ण उठे थे और जैसे राम ने सीता के लिए स्टैंड लिया था, वैसे ही आप बहुविवाह के खिलाफ मजबूत कानून बनाइए। फिलहाल अभी की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़। नमस्कार।